दोस्तों, मैं इतने टाइम से YouTube की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है, और ये हादसे ने हमारा दिल तोड़ दिया है। अपने आप को पार्टी दे रहा हूँ सिंगाड़ा और भालूशाही की, क्योंकि हम आज का दिन भूलना नहीं चाहते। मैं जब भी कोई वीडियो रिव्यू बनाता हूँ आप लोगों के लिए, चाहे वो कैमरे का हो या फिर ड्रोन का हो या किसी भी और चीज़ का हो, मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसी पे होता है कि आपके पास एकदम सटीक से सटीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर तो हूँ नहीं कि बड़े बड़े ब्रांड आके बोलेंगे कि ये लो झांसा, आप ये सामान पकड़ो और मस्त रिव्यू बनाओ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, मेरे पास ऑप्शन बचते हैं कि जो कंपनी की ऑफिशियल वीडियो होती है प्रोडक्ट की, उसको स्टडी करना, उसको ध्यान से एक एक चीज़ को समझना, और उसके बाद अगर वहाँ पे भी कुछ गैप ना मिले तो फिर कंपनी के जो प्रोडक्ट का जो आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पेज है, वहाँ पे जाके एक एक फीचर को ध्यान से नोट करना और लिखना। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई एक्यूरेट तरीका और हो नहीं सकता हम जैसे क्रिएटर्स के लिए। मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी ZV-1 के ऊपर, और वहाँ पर मैंने डिटेल्स लिस्ट निकाली फीचर्स के ऊपर, मैच कर करके कि कौन सा है कौन से नहीं है, इनकी साइट पे जाके सब जगह जाके। और बाद में भाई कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो फीचर आप गलत बता रहे हो, ये फोकस पिकिंग तो इसमें है और आपका ज़ीब्रा भी है और ये भी है वो भी है। मैंने कहा लग गई, इस बार तो लग गई। ये कॉन्टैक्ट निकाल के सोनी वाले को कॉन्टैक्ट किया तो पता लगा कि उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करके आपको फिर बताते हैं। फिर अगले दिन टेक्निकल टीम से बात करने के बाद हमको ये पता चला कि भैया फोकस पिकिंग भी है और ज़ीब्रा भी है और कुछ और फीचर भी हैं। तो मैंने पूछा भैया ये आपने फिर अपने जो स्पेसिफिकेशन पेज है वहाँ पे भी नहीं डाला। तो इस पर उनका आंसर ये था कि ये जो कैमरा है हमारा बिगनर्स के लिए है और हम बिगनर को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हमने वो उस पेज में नहीं डाला। तो एक्सट्रीम बिगनर जो होता है उसको तो बेचारे को कुछ नहीं पता होता, वो मेरे को नहीं लगता कि वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पेज में जाएगा। सिंगाड़ा और भालूशाही, सिंगाड़ा मिल जाएगा, भालूशाही नहीं मिलेगा लगता है, मैं दोनों ही देखे हूँ। सिंगाड़ा समोसे से बोलते हैं सर। अरे यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरे पास देखता हूँ पूछ के किसी को पता है कि नहीं पता ना, सर। मोबाइल से फोटो खींच लेते हो आप जी? तो मेरे को ये बताओ जो कैमरा सेंसर होता है APS-C और फुल फ्रेम, इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। ISO के बारे में ऐसे करके फोटो खींच देते हैं बस, है ना। तो भाई बिगनर ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, और बेसिकली अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो पूरा वीडियोज देख के या प्रोमोज देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसे नहीं कि वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पेज में चले गए और वहाँ जाके देख रहे हैं कि इसमें APS-C सेंसर है कि नहीं है, इसमें फोकस पिकिंग है कि नहीं है। ये सारे काम एक्सपर्ट लोग करते हैं, और अगर उन लोगों ने बिगनर्स के लिए ये कैमरा बनाया है, इस वजह से उन लोगों ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पेज में ये फीचर मेंशन नहीं करें, तो फिर उनको तो S-Log2 और HLG भी नहीं मेंशन करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी बिगनर को नहीं पता होगा कि S-Log2 और HLG क्या काम करता है। तो अपनी खाद्य सामग्री आ चुकी है और अब घर जाने का टाइम आ रहा है। यार मैं आज चश्मा ले जाना भूल गया साला, एक तो मैं वैसी सैड हूँ और ऊपर से आंसू भी जुगाड़ हो गई है। मैं चाहता था इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता था, और ये वीडियो डिलीट आराम से होके मैं एक पोस्ट डाल देता आप लोगों के लिए, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता, आपके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, यू नो। तो मैं पर्सनली आपको इस प्रॉब्लम के लिए क्षमा मांगना चाहता था, सॉरी बोलना चाहता था, क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका आगे का सलूशन भी अभी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि अगर कंपनियां इसी टाइप का षड्यंत्र रचेंगी मेरे हम जैसे क्रिएटर के ख़िलाफ़ और इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो हम भी क्या कर सकते हैं। चलिए, सी यू सून। देखिए मैंने अपने गम को बांटने के लिए कितने सारे दोस्तों को बुला रखा है। वाह, ओह माय गॉड। Can't be found. I've got a smile, one of a smile, a certain little way.